हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। फरीदाबाद की तरफ अगर रुख करें तो वहां बीजेपी के मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर का विरोध थम नहीं रहा। लगातार कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र के लोग ही बिगुल फूंक रहे हैं, मोर्चा खोल रहे हैं। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता वरुण श्योकंद और समाजसेवी बाबा राम केवल ने कृष्णपाल गुर्जर पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शहर में होने वाले अवैध कब्जे कृष्णपाल की मिली भगत से होते हैं। सीएम खट्टर और कृष्णपाल गुर्जर की मिली भगत से अरावली बेच दी गई, वहां भी कब्जे और अवैध निर्माण हुए। साथ ही उनका कहना है कि इस बार बीजेपी को कृष्णपाल को टिकट नहीं देनी चाहिए, कृष्णपाल ने जनता से झूठे वादे किए हैं। ग्यारह छह 2017 को आरटीआई मांगी थी कि भाई ये जो भवन निर्माण हो रहा है, उस टाइम चल रहा था निर्माण, इसका मालिकाना हक किसका है, इसका नक्शा पास हुआ या नहीं हुआ, इसका सीएलयू हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अभी तक, आज भी मेरा केस अभी भी पेंडिंग है, तारीख लगी हुई है, मुझे इसका ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दिया गया कि इसका मालिकाना हक किसके पास है। लेकिन अधिकारियों ने हमें अनऑफिशियली बताया कि साहब हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, आपको कोई पेपर नहीं दे सकते, हमारी नौकरी का सवाल है, लेकिन ये माननीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी के नाम है ये प्लॉट, हिदायत दी गई है कि चुनाव तक किसी भी कीमत पर इसको उजागर ना किया जाए, इसका जवाब ना दिया जाए। इन्होंने झूठ बोला और महिला कॉलेज और सराय स्कूल की व्यवस्था बद से बदतर है सरकारी। मैंने कहा था कि 2 एकड़ जमीन हुड्डा के पास पड़ी है झड़िया मार्केट में, बच्चे 72 सौ हैं, एक एक क्लास में 100 बच्चे बैठ रहे हैं, लड़कियों का अलग बना दिया जाए। मैंने संघ प्रांत प्रमुख से भी फोन करवाया, रामलाल शर्मा जी को और किशन पाल जी को, इन्होंने एक नहीं सुनी। अगर ये इस तरह नहीं सुन रहे, अनसुनी कर रहे हैं और समय समय पर इनका विरोध जगह जगह हो रहा है, तो इनको टिकट क्यों चाहिए? इनको टिकट ना दें, इनकी जगह किसी दूसरे को टिकट दी जाए, ताकि वो अच्छे से इस हमारा लालन पालन और शहर को चला सके। पूरी अरावली खा गई, ये पूरी अरावली को बेचने का काम किया था इन्होंने, खट्टर साहब ने और कृष्णपाल जी ने, ऐसा क्यों किया?